हाँ तो मैंने माम बाप से बात कर ली है क्या बात कर ली वही तुम्हें तो कहा था कि मैं किसी और से शादी के बारे में भी ना, तो मैंने को बता दिया है वो चाहते हैं तुम है तुमने, मतलब तुमने इतनी जल्दी बात भी कर ली क्या मतलब मेरी अब एक मीटिंग है मैं मीटिंग से फ्री होकर तुमसे दोबारा बात करता हूँ वैसे भी ये बातें इतनी जल्दी में करने वाली नहीं होती जिंदगी में अगर दोबारा कभी गिरने लगा तो आप पकड़ के थाम लेंगे गिरने नहीं देंगे ये। ड्रामे में अब फजल बख्श और के शुभरा बहुत मोहब्बत पैदा हो चुकी है लेकिन अब शुभरा को जब यह हकीकत पता चलेगी कि फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर से कंधरा मुझे आज तक धोखा देता आ रहा है तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी बल्कि उसे नफरत करेगी लेकिन शामिर को इस बात का अंदाजा नहीं था की जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी तो क्या होगा तब उसका बाप भी उसे नफ़रत करेगा लेकिन सुकनैना उन सबको बताने की कोशिश करेगी कि ये ऐसा नहीं है अगर ये बिल्कुल दाऊदली खान जैसा होता तो आज हमारे साथ नहीं होता ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहता है जबकि अब शिबरा को बार बार फतल बख्श का मनाना और बार बार उसके पीछे आना इस कदर मुतासर कर लेगा तो फिर से शाह को माफ कर देगी शमीर और शिबरा की शादी होती दिखाई जाएगी लेकिन माहरीन जिसने सारी हकीकत बताई जान बोझ कर सब कुछ बताया और साथ में अपने पास से बातें भी लगाई वो कुछ नहीं कर पाएगी उसका मुकाम बहुत बुरा होगा आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन फजल बख्श और शिबरा को एक साथ देखना चाहता है कमेंट करके अपनी कीमती राय में लाजमी अगह कीजिएगा मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में मुझे बेलाइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बसानी और वक्त पर मिलता रहे अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा